अमेरिका में चल रही बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज के दौरान एक मैच में कुछ ऐसा हो गया कि वहां हंगामा हो गया। इस लाइव मैच में दो मॉडल्स जूलिया रोज और लॉरेन समर ने अचानक अपनी टी शर्ट उठा दी और टॉपलेस हो गई। दरअसल ह्यूस्टन एस्ट्रोज और वॉशिंगटन नेशनल्स के बीच चल रहे एक मुकाबले के दौरान जैसे ही कैमरा इन दो मॉडल्स के सामने आया, इन्होंने अपनी टी शर्ट उठा दी। इसके बाद वहां मौजूद लोग अवाक रह गए। मॉडल्स के ऐसे करते ही वहां खिलाड़ी भी हैरान रह गए। उन्होंने जैसे ही हंगामा सुन उधर देखा तो अपनी नज़रें फेर ली। हालांकि इस दौरान कुछ लोग मोबाइल निकालकर फ़ोटो भी खींचते दिखे। इसके बाद तुरंत हंगामा मच गया और मैदान के गार्ड उन दोनों तक पहुंच गए और दोनों को स्टेडियम से बाहर निकाला। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के कारण दो मॉडल्स पर उस स्टेडियम में घुसने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि जूलिया रोज ने खुद पर लगे बैन के बाद एक बयान में कहा कि हम दूसरे स्टेडियम में जाकर भी ऐसा ही करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मॉडल्स ने इस मैच को देखने के लिए 60,000 पाउंड रुपए खर्च किए। लॉरेन और जूलिया रोज ने भी बताया कि उन्होंने इस मैच को देखने के लिए 55 लाख रुपए खर्च किए हैं। जूलिया रोज ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने यह सब ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बेसबॉल मैच को ज़्यादा लोग देखने आते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक फुटबॉल फ़ैन हूं और फुटबॉल में आपके ऊपर कैमरा आना असंभव होता है, इसलिए मैंने बेसबॉल मैच में ये किया।